இருக்கு. गुरुमहाराज के ले चला रिपियो दू पहली हस्ती ओढ़ो थोड़ो आटो लिया थोड़ी दाल थोड़ा लून में लिया थोड़ो प्रसाद भोजन बना चेलो ले बाजार गियो पूछियो आटो कहीं भाव है रिपिये गियो दाल के आई रिपिये गई मिर्चों का आई रिपिये गई लून के रिपिये गिरो पाठ देसी घी रो पीपो पड़ियो कह घी के वो कहीं भाव है कोई रिपिये गिरो चेले जो गजब हस्ती ओढ़ो पाड़ बिदम हो बोरी मीना यह बिदम में बेचो गई सेठ के भाई दूजो कहना रखी यह कहीं भाव है यही रिपिये की काजू दा का पिस्ता सब रिपिये की सेले जानियो होगरा खाकान गलत हुई आज तो मेवो ही ले लो रिपिये रो किलो आई चार तरह मेवो ले लियो पापा किलो मेवो कौन जन आयो के लो बाबा जी गुरु महाराज कह रहे भाई तो मेवो कोई भगत मिल गयो गई के बाबा जी आज नगरी पूरी भगत है हाँ हंसता गुरु महाराज के पूरी नगरी कदी भगत हुई घर में धनी लुगाई दो वे भी इनका भगत को है धनी आनी पुत्र रोटी दे धनी आवे होट मारे हैं वे ही इनका को है निकला कोई नगरी है नहीं भगत वे गई बात कुछ और है सही बता जब आप जी बहन एक भाव है सब सब एक भाव है कई लोग हैं गुरु महाराज तो ज्ञानी है पहुंच मान झट झोली खाक में गाली सब एक भाव है अकरा पौरे ने कोई मिलक नहीं है मैं तो अटकोनी नहीं हूँ हैंग इर कहीं जाता अकरा पौरे चलो क्या भाव जी मत जाओ अकरी जगह आयो ना अट आराम रे रोजी ना ऐडा मेवे इल्ला फिर अंदर ने रिप्यू आटो ने बेटा ही आई ना ऊपर घुटे घुटे सब चीज एक भाव गुरु महाराज कह भाई मैं इन नगरी को पौड़ी नहीं हूँ गुरु महाराज भाई रुका चेले ने कहा मारी बात माने तो तू मेवो ही मत कान भाई रुको चेलो के बाप मैं अनपढ़ थोड़ी ऐडी जगह आया मैं तो जगह छोड़ू ही गुरु महाराज के भाई ने मैं तो जाऊं के बाप जी हो रहा जाइए तो ये देखो गुरु में दया कितनी है भाई उठा के भाई चेला कदी अंकी पड़ जा तकलीफ हो जात मन याद कर चेलो के मामे तक नहीं तकलीफ पड़ी ऐडो हस्ती और मरा थे कटे फिरो न भूको मन ढूको तो पांच आई मुंह उन झूठू बोल तो ही गुरु महाराज ने दया गुरु महाराज गपरा चलो उठ बैठो रोजी ना फिरे रिपियो आठवानी बेट आवे मैं वो लावे न कोरो मैं वो ही मैं वो खाओ छह महीना हो या ना लो घोटम घोट हुगो मोर हुगा ढाई फुट जोड़ा 15 दिन बंदोला खावे जो कोई तनुरा राता हो जा घोटम घोट हुगो ऐडो घोटो हटो अब हो बाबाई रे नगरी रे मैं चारू मेर कोट हो पहली ओपर जोधपुर में हूँ थोड़ो मे हुयो एक पानी कोट दूर गो पुकार करी हजूर ऊपर कोट दूर गयो नुकसान हो गयो पोपा भाई कहे जट कोट दूरी गयो ठेकेदार को ना बुलाओ उन्हें फांसी वाला ठेकेदार ने बुलाओ भाई जट तो कोट है कि दुनिया तने फांसी हुई ठेकेदार कहे बाप जी मैं तो आगे पेटी हूँ काम दे दियो पूरा धनी ने पैया दिया लिखा पड़ी पड़ी पोपा भाई कहे नहीं कोई गलती नहीं बाप रे छोड़ो वो क्यों है पेटी और उन्हें बुला उन्हें बुलायो कह रहे भाई तू आयो किधर छोड़ियो ने दुड़को हत्तो कह बाप जी मैं तो सही छोड़ियो कह सही नहीं तन पास ही हो कि सही छोड़ियो मैं तो दुड़ियो क्यों कह बाप जी ये ठंडा खराब हो गाड़ी वाला बदमाश बुढ़िया नौ दिए जो को हाउल ठकिया कोई गोल गाड़ी वाला तो हमारे तो कोई बहुत ही मत कर मोइन लैंड में जो गाड़ी वाला हकीकत 15-20 टन लिखा है सब चोरियां थोड़ी तो करनी पड़े गाड़ी धंधा हुई थोड़ा नीचे गुड़ बन ऊपर तली रख दे तो कह भाई ना छोड़ो बुलो गार्डियन गार्डियन ने बुलाया गार्डियन झूठा मास्टर है कह तू खड्डा आड़ा की नौ के दोनों पास ही गई क्या क्यों बाप जी मना क्यों कह खंडा खराब नौ के रेत दुड़ की मारे गार्डियन ने तुम जोड़ी रहे अरे बाप जी खंडा तो तली जा मरता है मसलो खराब है दूर ज्यादा है चिरमट कम है मसलो तय करो ओम भाई क्या वो गाड़ी वाले सही आ था कौन 3 नंबर हो चोर है तब उन्हें छोड़ दियो अब मसालों बना बुलायो मसाले बनाओगे मजदूर ने कि तुम मसाले अड़ गिर बनाए आते हैं बीन दूर की टैच करियो मजरी घड़ी है माए चिरमट कम गाली ओ क्या बाप जी मने याद अटे बीन सुनी थी उन टाइम मैं मसालों बनाऊ तो जो को
मसालो बनाव तो मैं चूक बदरी घनी नकी चिरमट कम नो भूल गो के की कर भूलो तुम ध्यान कटो ध्यान कटो के बाप जी मैं तो एक बंदोली निकली तो बंदोली देख दू है बंदोली देख दू दिन के कोई बंदोली के मन ठान बाप जी बंदोली की गजब ही बैंड बाजा ना बेजा ना घोड़े मां तो सवारी तो मैं वहां देख दू कहीं नहीं कोई गलती नहीं बंदोली की नहीं उन्हें बोलो कोई कहे भलान दी हेट आई के उन्हें बोलो फांसी हुई बोला हेट आ देना बंदोली की गाड़ी आपने फांसी हुई हेट के बाद जी मैंने फांसी किया मन तो बामन मार दियो बिना मार थोड़ी गाड़ी मार कर आज ही घेर पड़िया कागज में तो हम चोट रखा भोड़िया मार पड़िया घेरे तो के हेट आ कोई गलती नहीं मरा दियो मरा ने बोला महाराज आपने फांसी वाला देना की कर मार दियो कह बाप जी बात तो सची हाँ जी जन बासी चढ़ो बासी नहीं मैं हेठ जी बैठा हेठर छात्री मार दरी बिचोड़ी में मर देता सुको मैं कहता तो रात हो और कई को दिन के कर के मैं कहता जी तो कहीं एक बाबो आयो इतो करारो आयो इतो लाल बहुन जोड़ो तो मैं उन बाबे ने देख लू मरा देख ली मैं तू कह कोई मरा जी गलती नहीं उन बाबे ने लो बाबे ने फांसी हो अब महाराज ने छोड़ दिया कर्म फूटा बागरा महाराज जानी ओपे तो बच्चे उठे पोपो भाई अब महाराज ने बुला गया बाप जी आलो क्यों भाई के पोपो में बुला महाराज राजी हुआ जानी दरबार बुला कहीं भेंट कर देखी आठ आगो आज दे फांसी महाराज आया कह हुकम करो हुकम कहीं नहीं है पासी भी टाइम 15 मिनट घटे क्यों बाप जी मने क्यों हुई थानी हुए एडा करारा क्यों हुआ एडा थे करारा हो यार महाराज मार चूका थान दे माल खागा अब आपने फांसी वाला 15 मिनट की टाइम है कोई चीज खानी है तो आप सब मिठाई तैयार पड़ी कर लो क्यों फांसी चाहे जन पूरी इच्छा पूरी करिए करे कपड़ा नहीं खाऊ नहीं पीऊ नहीं क्यों मिलनी क्यों नहीं मिलना मैं तो मिल लो 15 मिनट पड़िया तो अब उन टाइम गुलाब जामुन ढले गए फांसी रुगाड़ो हम ही दिखे खावे कहीं चुप्पा तो कह जिन मिलना हमें देखियो महाराज देखियो किड़ मिलो दादा ने तो छोड़ना जोगी बन गया अब तो गुरु महाराज को मिलो तो गुरु महाराज ने तो अबे कई बोल के बे लिया तो एक बार याद तो करो बाप जी कहो भाई अब की पड़े तो याद कर दिया अब इड़ो अब की मांग कहीं पड़ी मन तो फांस जाते अपूटो को रहे ने बेनती करी हे दयाल हे दाता तारो दा टाइम है मैंने तो फांसी चाहिए गुरु महाराज झट हाजिर हुआ बोल कई तकलीफ है मैं दूजी तीजी है पच पूछ मैंने ठा पड़ गई तू मने धक्का दे हूं तने धक्का दे मैं अपना आप जवाब दू अब आपस में धक्का दे पोपो भाई कह रहे बाबा लड़े क्यों गुरु महाराज कह भाई अड़ा है महाराज आ टाइम एड़ी है नक्तर अड़ा है इन टाइम इन फांसी चढ़ेला वो सारी सृष्टि रो राजा बड़ा सारी सिस्टर अरे बाप जी नक्तर अड़ी मैं तो फकड़ा हो काले वाला मारे मुड़ी रो तेलो देखो ओ सिस्टर धनी बनना चाहे या फुटा ही ना सिस्टर धनी बनू मैं मनाची पर या माला फेर दे पोपो भाई कह रहे सिस्टर धनी बन बाबा ने धक्का देन मार करू पास चढ़ू मैं मारे बाप के पास ही सिस्टर धनी बनू मैं पोपो भाई लटक ए बढ़िया धनियों ने सिस्टर गुरु महाराज जी की दया किरमे ही नहीं करे महान दयालु आप कहो कि ये दयालु कृपा करो आप बड़ा दयालु है कृपा कर दे चलो जी थोड़ा अटपटो बोले तो ही गुरु ने दया हाँ सर बोल सतगुरु दयाल की जय हो।